और बस अच्छा है। और आज का जो प्रस्ताव कुमार शंकर जी ने दिया है आगे का जो है कुमार शंकर जी आज वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये विभाग को भौतिक विज्ञान विभाग को जो भी प्रायोगिक उपकरण प्राप्त हुए हैं निसंदेह उससे विभाग रिच हुआ है। और चूंकि अभी लेट आए तो इस साल तो उतना फायदा नहीं मिल पाया, लेकिन आगे के बच्चों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशन में महाविद्यालय स्तर पर ये नए विद्युत संबंधी जो प्रयोगशालाएं 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें पहले दिन बॉटनी विभाग और दूसरे दिन जियोलॉजी विभाग और तीसरे दिन केमिस्ट्री और चौथा और पांचवा दिन चूंकि भौतिक विज्ञान विभाग में प्राप्त उपकरणों की संख्या काफी ज्यादा रही, इसके 2 दिवसीय लैब इक्विपमेंट आधारित कार्यशाला का आयोजन आज भौतिक विज्ञान विभाग के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर आर के तिवारी प्राध्यापक भौतिक विज्ञान विभाग शासकीय नवीन विज्ञान महाविद्यालय रीवा और डॉक्टर सी एम तिवारी यूटीडी अभ्य प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से पधारे और उन्होंने अपना उद्बोधन लैब उपकरणों के बारे में दिया। लगभग विभाग के 200 छात्राएं प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की मिलाकर के उपस्थित रही। काफी ज्ञानवर्धक और अच्छा आज का एक वर्ग साफ रहा। निसंदेह प्राचार्य के निर्देशन और मार्गदर्शन में विभाग उन्नति करेगा, ऐसी हम आशा करते हैं और छात्राएं लाभान्वित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सभी के बीच इंस्ट्रूमेंट दिखा दीजिए जो हमारे गुणवत्ता को कुछ प्रयोजन है कि इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट आपने शंकर जी आप बता रहे हैं ये सारे नए इंस्ट्रूमेंट है जो वर्तमान में कंपाइल हो करके पहले पुराने जो ऑपरेटर्स हुआ करते थे उनकी सारी सर्किटें खुली हुआ करती थी, लेकिन ये अब इंटीग्रेटेड सर्किट के माध्यम से सारे इंस्ट्रूमेंट है जो लगभग बीएससी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के जो नवीन यानी कि शिक्षा आधारित जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर जो सिलेबस है कार्यक्रम डिजाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सारे उपकरण प्रायोगिक व्यवस्था के लिए रूसा के तहत और इस परियोजना के तहत विभाग को प्राप्त होंगे। बहुत ही अच्छा ये वर्कशॉप था ना हमारे महाविद्यालय की जो डॉक्टर संयोजक डॉक्टर अक्षरा मुखर्जी भी आज वर्कशॉप में अपने विचार व्यक्त किए। आज भौतिक शास्त्र विभाग ने जो इक्विपमेंट्स का वर्कशॉप किया है वह वास्तव में सराहनीय रहा। और हमारी मध्य प्रदेश सरकार हमेशा से ही प्रयासरत रहेंगे कि हमारे यहाँ की छात्राओं को या छात्रों को इस तरह की शिक्षा दी जाए कि केवल वो सैद्धांतिक शिक्षा पर ही आधारित ना हो, उसके साथ साथ प्रायोगिक शिक्षा भी उनको दी जा सके। और एनईपी में जैसा कि अभी कमला शंकर जी ने बताया कि एनईपी के तहत जो भी इनमें प्रयोग रखे गए हैं उससे संबंधित सभी इक्विपमेंट्स यहाँ पे आए हैं। आज मुझे यहाँ की बड़ी प्रसन्नता हो रही थी जब मैं यहाँ पढ़ती फर्स्ट ईयर में तो ये डार्क रूम था, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करते थे और हम लोगों के समय बहुत लिमिटेड साधन थे और उस समय पर ये सारे प्रैक्टिकल जो है हम लोगों के समय नहीं थे और ये सारे फिल्टर्स हैं वो वास्तव में हमारी छात्राओं के लिए बहुत लाभप्रद होता। और जब हमारी छात्राएं यहाँ से पढ़कर जाएंगी तो हमारे महाविद्यालय का नाम ऊंचा करेंगी और इसके लिए मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में स्पेशली करना शुरू करती हूँ बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी ये छात्राएं तो हमेशा इस तरह से बताते रहेंगे और छात्राएं हमारी और इसी तरह द्वितीय लैब और तृतीय लैब देखती थी 4-5 करते थे।
बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा आज का ये वर्कशॉप है की बात करने से। और मैं चाहूंगी कि मैथ की डॉक्टर अंजना इंजीनियर और रसायन शास्त्र विभाग के जो हेड है डॉक्टर के एन शर्मा उनके इंटरव्यू शायद भौतिक विभाग भी है, तो सभी लोग मिलकर के काम करें और आप सभी बहुत अच्छे बनकर हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं और आप जो है मैं आशा करती हूँ कि इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट सब आ गए हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, तो स्टूडेंट को इसको लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा और इसको देखिए और प्रैक्टिकल करें और इन्हीं शब्दों के साथ वर्कशॉप दिया गया तो फिर आपको पूरी टीम को बहुत